अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो ये है दोस्तों नौबत खाना। मैं आपको दूर से काफ़ी दिन से बता रहा था, मगर आज मैं आपको करीब से दिखा दूंगा नौबत खाना। तो आप यहाँ पर नौबत खाने के ऊपर जो पत्थर के डिज़ाइन देख सकते हैं, किस तरह के बेहतरीन डिज़ाइन है, और एक पीस का एक पत्थर है ये, किस तरह से डिज़ाइन बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ से नौबत खाने के पीछे पूरा बिदर, रॉयल सिटी बिदर आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ से। आप यहाँ से देख सकते हैं पुराना मदरसा महमूद गावान मस्जिद, और यहाँ से पूरा जो है मुल्तानी कॉलोनी एरिया है। और आपको मैं बिदर फोर्ट का सेफ डिफेंस कहता था, तीन खंदक आपको आज मैं बता दूंगा, तीन खंदक भी किस तरह से है। पहला खंदक, दूसरा और तीसरा खंदक, इतना ज़्यादा गैप कोई सिपाही शायद ही कर पाए। अब फ़िलहाल जो है यहाँ पर झाड़ उठ गए हैं, मगर ये बहुत ही डेंजर खंदक थे उस वक्त में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊँगा नौबत खाना। ये जो नौबत खाना कहते हैं, ये है सिपाहियों का रहने का अड्डा। तो दोस्तों ये नौबत खाने में सिपाही रहते थे, यानी कि बहमनी आर्मी रहते थे यहाँ पर। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। आप यहाँ पर देखते हैं 16 खंबा मस्जिद, उफ बहमनी मस्जिद। और यहाँ पर स्टेट है यहाँ पर सिंगिंग का। और यहाँ पर से आपको दिखा दूँ मैं, अभी आपको यहाँ पर जाके टॉप फ्लोर का यहाँ का व्यूज़ दिखा दूँगा। तो दोस्तों अभी चलो आपको बताऊँगा, ये है नौबत खाने के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। अभी फ़िलहाल ये बंद है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं नौबत खाने के अंदर का जिस तरह से डिज़ाइन हुआ करता था। तो ये जो नौबत खाना है, बहमनी आर्मी यहाँ पर रुका करती थी। यहाँ पर सिपाहियों को रुकने की सबसे बड़ी चौकी है बिदर फोर्ट की, और यहाँ से ऊंचा एरिया है, बाहर का सब दिखाई देता है यहाँ से। तो ये है दोस्तों नौबत खाना। फिर यहाँ पर सामने है अखाड़ा, जहाँ पर सिपाही मश करते थे। तो ये है अखाड़ा, यहाँ पर कुश्ती और सिपाही लोग जो यहाँ पर मश करते थे, यानी कि कुश्ती की यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ करती थी, और आज भी यहाँ पर कुश्ती चलती है। कभी भी इधर उधर रहा तो कुश्ती चलती यहाँ पर। और यहाँ से बिदर फोर्ट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, और पूरा स्टेट देखिए कितना बड़ा है एकदम। ये है स्टेट, और यहाँ पर है बिग बलून। तो दोस्तों वहाँ पर आपको जो छोटे छोटे आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं, अब मैं वहाँ पर जाके कैमरा यहाँ से पॉज करूँगा, वहाँ पर कैमरा ओपन करूँगा, उतनी दूर जाने के बाद कैमरा ओपन करूँगा, वहाँ पर जाके रिकॉर्ड चालू करूँगा। अभी आपने नौबत खाना देखा, मैं आपको वहाँ से टॉप फ्लोर का प्ले वहाँ पर व्यूज़ दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कुर्सियाँ हैं रखी हुई है, और स्टेट है बहुत बड़ा, और यहाँ पर पूरा मार्केट है। आपको जो भी खाना पीना हो या फिर कुछ ख़रीदारी करना हो तो भी आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर पानी पूरी, फास्ट फूड सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आपको खाने के लिए, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सभी मिलेगा आपको खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ मैं टॉप फ्लोर पर, वहाँ का व्यूज दिखाऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको जो लोकेशन दिखा रहा था यहाँ से दिखा रहा हूँ, मैं आ गया हूँ टॉप फ्लोर पर। ये है दारुल इमारा, तख्त महल और काला बुर्ज। यहाँ से पब्लिक देख सकते हैं, और यहाँ पर है गोल गुम्बद मस्जिद, और आपको पूरा शेड दिखा दूँ यहाँ से। पूरी पब्लिक एकदम छोटी छोटी दिख रही है यहाँ से। अभी यहाँ पर देख सकते हैं मेले का जो बड़ा झूला है, ये है झूला चल रहा है अभी फिलहाल। और ये है पूरा स्टेट, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कुर्सियाँ और पब्लिक के लिए इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ से आपको दिखाई देती है महमूद गवान मस्जिद, उसके पास में ये रहा चौबारा, और वो बिदर सिटी है पूरी। और यहाँ पर है पूरा फास्ट फूड का पूरा मार्केट, जो भी खाना पीना है सब कुछ, और पार्किंग एरिया है। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं, ये है बिदर फोर्ट बिदर उत्सव, और ये है नौबत खाना। मैं वहाँ से यहाँ तक पैदल आया आपके लिए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मिले, और आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर गन्ने के जूस, नारियल पानी, टोटली यहाँ पर खाने के जो भी चीज़ें अवेलेबल है, चाइनीज़ फास्ट फूड तक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बोलो जुबा केसरी, जो लोग बीबल खाने के शौकीन हैं उनके लिए भी सब यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है, सब यानी कि जो भी
खाना चाहते हैं वो तम्बाकू वगैरह। तो दोस्तों आपने जो द डर्टी पिक्चर देखी थी, मेरा इश्क सूफियाना सॉन्ग इमरान हाशमी का जो सॉन्ग है, वो इस प्लेस पर ही शूटिंग किया गया था। मगर यहाँ पर गेट बंद है, यहाँ से दारुल इमारा जाने का रास्ता है, इस दीवार के पीछे ही दारुल इमारा है और ये फ़िलहाल अभी गेट बंद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इश्क सूफियाना जो सॉन्ग था यहाँ पर ही शूटिंग हुई थी उसकी। और यहाँ पर पूरा लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ, मगर यहाँ पर जो है गेट बंद है इसलिए आपको ऐसे ही मैं बता दूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ पर, मगर यहाँ पर पूरा बंद है टोटली। ऐसे तो बिदर उत्सव में सब कुछ चालू रहना था, मगर यहाँ पर अभी कुछ भी खोला नहीं गया है बिल्कुल। आप यहाँ पर देख सकते हैं तख्त महल लिखा हुआ है, यहाँ पर तख्त महल हॉल ऑफ किंग ऑडियंस, यानी कि जो भी यहाँ पर राज दरबारी लोग होते थे वही आने के लिए यहाँ पर अनुमति थी उनकी, तख्त महल और दारुल इमारा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल बना हुआ था। और यहाँ पर आप चौकियाँ देख सकते हैं जहाँ पर जहाँ राज दरबारी बैठा करते थे, आप यहाँ पर लाइन से चौकियाँ वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बनाया गया था। ये पूरा मुकम्मल था, मगर ये वक्त के मार ने तारी इमारतों को गिरा दिया। फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरानी कुछ यादें अभी भी कुछ बची, कुछ ही यहाँ पर इमारतें बची कुछ ही है, और आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों भी आगे चलते हैं। और यहाँ पर टिकट बोर्ड्स भी है यहाँ पर, तो अभी आप देख सकते हैं कितने सारे कुर्सी यहाँ पर है रखे हुए, स्टेट है काफ़ी दूर दूर तक पूरी यहाँ पर, और यहाँ पर लाइव चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से पूरा कंट्रोल होता है म्यूज़िक, यहाँ से आप देख सकते हैं, और वहाँ पर चल रहा है गिटार वगैरह बजाना का और सॉन्ग वगैरह चलने का। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सिस्टम है यहाँ पर, यहाँ से सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है साउंड का। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक प्ले वहाँ पर जो भी कहते हैं यहाँ पर दिखाई देता है, और ये VIP सीट है पूरे। ये है पूरा साउंड सिस्टम, और यहाँ से ही पूरा म्यूजिक को एडिट किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं सामने स्टेज बस ना, अभी यहाँ पर सिंगिंग के शुरू होने वाला है प्रोग्राम, और काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस भी यहाँ पर आ रहे हैं, और ऑडियंस अपने अपने सीटों को पकड़ कर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर फुल ऑडियंस जमा हो रहे हैं फिलहाल। और नाइट में तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है कि एक भी सीट आपको खाली नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है। अभी धूप कड़क है, दोपहर का 1 या 2 बज रहा है, इसीलिए ज़्यादा धूप रहने से ज़्यादा पब्लिक नहीं है। जैसे ही शाम होगी यहाँ पर पब्लिक 2 मच भर जाएगी, यहाँ पर ठहरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी फिर। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज है और सिंगिंग का इंतज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगिंग का इंतज़ाम हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगर भी आ गए हैं। अभी ये गिटार वगैरह लेकर सिंगर आ चुके हैं। दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा पब्लिक, तो दोस्तों मैं भी पूरा यहाँ पर स्टेट के करीब में हूँ। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंगर्स आ रहे हैं यहाँ पर,
तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेज, तो यहाँ पर है कैंप, जो भी सुपरस्टार आते हैं यहाँ पर रुकने के लिए है, और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुपरस्टार्स के लिए रुकने के लिए जगह है। जो भी सर फिल्म स्टार आते हैं यहाँ पर रुकते हैं, उनके लिए रुकने के लिए प्लेस बनाई गई है यहाँ पर। आप जो ये VIP बसें देख रहे हैं, यहाँ पर रहते हैं सुपरस्टार्स, फिल्म मूवीज़ और सिंगर्स आने के लिए यहाँ पर पूरा रूम की तरह रहते हैं बस ये। और यहाँ पर ठहरते मुझे इसी इस तरह से लग रही है ठंडी हवा, बिल्कुल इसकी खिड़कियों से थोड़ी बहुत आती है हवा। यहाँ पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम है कोई इमरजेंसी के लिए, और यहाँ पर फायर इंजन का इंतज़ाम है कुछ भी इमरजेंसी के लिए, और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के भी अफसर्स यहाँ पर फुल ड्यूटी पर है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, द वर्ल्ड बिगेस्ट ब्यूटीफुल प्लेस बिदर फोर्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने जिस तरह से पब्लिक रुक रहे, किसी को अंदर एंट्री करने के लिए नहीं दे रहे, बल्कि मैं जो हूँ यूट्यूबर रहने की वजह से मुझको यहाँ पर आने का चांस मिला, इसलिए मैं आपको ये सब बता पाया हूँ। और आप लोग सब देखकर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ से किसी को भी अननोन पर्सन को आने नहीं दिया जाएगा यहाँ से, यहाँ से पूरी सिक्योरिटी फुल टाइट है यहाँ पर। मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया दोस्तों, फुल पब्लिक है अभी फ़िलहाल। दोस्तों अभी यहाँ पर देख सकते हैं फुल पब्लिक। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पर बबूल्स बलून्स वगैरह है, सब कुछ है, फुटबॉल्स है, और यहाँ पर पानी पूरी, गन्ने का जूस टोटली यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बलून्स वगैरह बच्चों के लिए, मार्क्स है, घोस्ट मार्क्स, मंकी मार्क, किंग कॉन्ग मार्क्स, फुटबॉल्स, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर डोरेमोन, डोरिनी सभी है यहाँ पर, एरोप्लेन्स, चिकन, डोरेमोन, डोरीमी टोटली यहाँ पर है। फोर्ट के अंदर आने का एरिया जो है उस गोल गुम्बद यानी कि गुम्बद दरवाजे से आने का है, और वापस यहाँ से जाने का जो पोजीशन है यहाँ से है, टोटली यहाँ से है वापस जाने का, यानी कि फोर्ट से बाहर निकलने का रास्ता, फिर फोर्ट के अंदर आने का रास्ता है गोल गुम्बद के अंदर से। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर है गोल गुम्बद दरवाज़ा, और यहाँ का रास्ता बन गया है शॉर्टकट, यानी कि पब्लिक कोई शॉर्टकट ना ले सके या फिर पब्लिक में भगदड़ ना बच मच सके, इसलिए रास्ता बंद कर दिया गया है। अंदर जाने के लिए वो है वहाँ से रास्ता है, वापस आने के लिए यहाँ से रास्ता है। तो दोस्तों भी आप देख सकते हैं पुलिस आ रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टेज है, फर्स्ट डे पर यहाँ पर बड़े बड़े पतंग उड़ाए गए थे, बलून्स उड़ाए गए थे, यहाँ पर बहुत बड़ा समारोह किया गया था। अभी स्टेज को है खाली किया जा रहा है, यहाँ का प्रोग्राम फिलहाल ख़त्म हो चुका है, और आज बिदर फोर्ट और बिदर उत्सव का लास्ट डे है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चौकी है, मैं आपको बताऊँगा, चौकी यानी कि यहाँ पर सिपाही रहने के लिए एक इंतज़ामी वक्त जगह है, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर फैले के देख सकते हैं छत इसकी गिर चुकी है, यहाँ पर घोड़े वगैरह और सिपाहियों को रहने की जगह थी। तो दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये है चौकी, यानी कि यहाँ पर सिपाही यानी कि बहमनी आर्मी रहा करते थे, और यहाँ पर से पूरा नज़ारा काफ़ी दूर दूर तक दिखाई देता है। अभी आप यहाँ से कितनी ऊंचाई है आप देख सकते हैं।